इसका भी एक बहुत ज्यादा मेन रीजन है। तो सबसे पहले मैं इसको बॉक्स को खोल लेता हूँ। ये है इसके अंदर फिक्सेटिव स्प्रे, जो भी आपको दिख रहा है मेरे हाथ में, ये है अर्फिना कंपनी का है। ये आर्टिस्ट फिक्सेटिव स्प्रे, इस पर साफ साफ लिखा है फॉर पेस्टल चारकोल एंड पेंसिल। और अभी मैं इन सारे ड्रग्स पर ये फिक्सेटिव स्प्रे करने वाला हूँ, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉइंग्स ऐसी भी हैं, जैसे कि ये राधा कृष्ण आपको दिख रही है, ये बनी है कलर पेंसिल और क्रेयॉन से, ये ब्रश पेन है, इसमें ब्रश पेन का तो कुछ लिखा नहीं है, और साथ ही में ये भी कलर पेंसिल है, ये क्रेयॉन्स है, ये जो क्रेयॉन्स वाली ड्रॉइंग्स है इन पर मुझको नहीं पता है, साथ में ये दोनों भी ब्रश पेन से बनी है। तो फिर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या ये इन पर काम करता है, साथ ही मैं अपनी सारी की सारी ड्रॉइंग्स पर ये फिक्सेटिव स्प्रे करने वाला हूँ। टॉप से एकदम स्टार्टिंग से मैं शुरू करूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या है आखिर। ये देखो, इसमें सीता का मुंह है, नहीं कौन थी वो, राधा का मुंह है, उसमें थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा शेड आ गया है, मुझको क्रेयॉन के ऊपर नहीं करना चाहिए था शायद से। अब देखते हैं जब ये सूख जाएगा तब। तो अभी मैं इसको ऐसे ही सारी ट्रांसफर कर देता हूँ। पर वो किया था, मतलब पूरा जो हाइलाइट्स थे वो सब चला गया। ये देखो पेंसिल कलर तो पूरा पानी की तरह फैल गया, ये देखो नीचे टपक रहे हैं, तो पेंसिल कलर के ऊपर भी ये काम नहीं कर रहे हैं। मतलब जो जो इस पर लिखा है, रविदास जी की पोर्ट्रेट पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड पर क्या हो गया, इसको मुझको सिर्फ स्केचेस पर करना चाहिए, क्योंकि स्केचेस ही ज़्यादातर स्मज होती हैं, बाकी सब पर तो होते नहीं है ना स्मज, तो जहाँ स्मज होता है मैं वहीं के लिए इसको कर लेता हूँ और बाकी मैं करना नहीं चाहता, सारी ड्रॉइंग्स मेरी खराब हो गई। राधा कृष्ण ऑयल पेस्टल पर पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ। ओके, तो ऑयल पेस्टल पर बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ऊपर एक अलग सी लेयर आ जाती है। स्पाइडरमैन ड्रॉइंग की मैंने क्रेयॉन से बनाई थी, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, लिपस्टिक सबसे जरूरी, लिपस्टिक पर क्या काम करता है ये तो अभी बहुत वो रेड हो गया है, तो कोशिश कर रहा हूँ। ओहो क्या हो गया, सारी लिपस्टिक डस्ट जो था वो सब, देखो आप क्या हो गया मेरी ड्राइंग, लिपस्टिक वाली ड्राइंग, बाकी सारी तो अभी तक देखो जैसे मैंने स्केचेस पर की हो तो बहुत अच्छी है। ब्रश पेन पर भी ट्राई कर लेता हूँ। ओके, इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे सूख जाने से पहले। इसको बैटमैन, बेली एलिश, थैनोस, ऑयल पेस्टल, ऑयल पेस्टल पुष्पा वाली रिंग पर नहीं हुआ है, थॉर इस पर, अरे जो बैड क्वालिटी पेपर है, जैसे जो प्रिंटिंग पेपर पर ड्राइंग्स बनी है ना उनका आप हाल देखो, ये प्रिंटिंग पेपर पर बनी है स्पाइडरमैन, और साथ ही में और कौन सी बनी थी, ये वाली ड्राइंग स्टेडलर पेंसिल से जो मैंने बनाई थी, ये भी प्रिंटिंग पेपर है मेरे, ये बहुत ही ज़्यादा पतला पेपर है राधा कृष्ण, लेकिन ये ड्राइंग पेपर है। बाकी है चारकोल और ग्रेफाइट पर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऑयल पेस्टल पर भी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऊपर एक अलग सी लेयर बढ़ जाती है, तो फिर मैं आपको प्रेफर करूँगा ये बाय करने के लिए, ये अच्छा है पेस्टल चारकोल और पेंसिल पर ही इसे यूज़ करिएगा, वरना
आप देख सकते हैं कि अभी मेरी लिपस्टिक वाली ड्राइंग का क्या हाल हो गया है, ग्रे कलर का हो गया है और पेन तो पेपर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये देखो इससे, ये जो स्पाइडरमैन वाली ड्राइंग है आपको कुछ लिखा दिखा दिख रहा होगा, ये मैंने बहुत लाइट पेन से इसके पीछे डेट लिखी थी, इसके पीछे मैंने डेट लिखी थी, वो भी नज़र आ रही है, यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, यहाँ आ रही है। तो फिर मैं आपको प्रिफर करूँगा इसको बाय करने के लिए, लेकिन इसको सिर्फ आपको स्केचेस पर, स्केचेस जो कि ग्रेफाइट, चारकोल और ऑयल पेस्टल से बनी है उन्हीं पर आपको इसे बनाना चाहिए। साथ ही में मेरी जो आइंस्टाइन वाली स्केच थी इस पर भी मैंने ये किया है और इस पर ये बहुत अच्छा काम किया है। देखो अभी बिल्कुल समझ नहीं हो रहा है, अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल समझ नहीं हो रहा है, ऊपर अलग से एक लेयर बन जाती है, इससे ड्राइंग हमारी प्रोटेक्ट हो पाती है, डस्ट भी ज़्यादा नहीं होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और बाय बाय।